भाई ये हो गई है मेरी बाइक रेडी, और ये कर दिया मैंने सारा सामान इधर अपना पैक। भाई तुम्हारा भाई जा रहा है आज उत्तराखंड सीधा बाइक से पहली बार फर्स्ट टाइम, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा मेरठ। मेरठ में अपने कज़न को उठाऊंगा वहाँ से, वो और मैं सीधा जाएंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर आगे आज निकलेंगे या कल, वो कल पता चलेगा। तो भाई मिलते हैं फर्स्ट टाइम। गाइज मैं निकला था दिल्ली से ठीक 11 बजे और अभी बज रहे 1:10, और हालत देख लो, ना तो मैं कोई जैकेट लेके आया ना कुछ लेके आया, मैं सीधा बस सिंपल ऐसे ही चल रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है, कुछ नहीं पता। रात को सीन बना था एकदम से आने का और सुबह एकदम निकल गया था, सुबह 6 बजे निकलना था बट निकल नहीं पाया क्योंकि नींद ही नहीं खुली। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने कज़न का, वो बस आने वाला 10 मिनट में, आते ही फिर सीधा निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। तो चलो भाई, ओके बाय बाय। देख लो क्या हालत हो गई है, बहुत हालत ख़राब हुई है। अभी सुबह से मैंने नाश्ता तो करा नहीं था, ये बच गए हैं 2:10 और 2:10 में हमको गणपति में एक मसाला डोसा खाते हैं और उसके बाद दोबारा सीधा चलते हैं स्पीड से। ओके बाय बाय। कर दिया ये भाई अपना भद्रकाली मंदिर, और यहाँ से हमारा ऋषिकेश ख़त्म होता है। ये हम चढ़ाई कर रहे हैं सीधा अपने नरेंद्र नगर के लिए। दिखा भाई नरेंद्र नगर, दिखा रहा हूँ भाई। अब मुझे नहीं पता कैसी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट अभी हम अभी 4:30 बजे हम ऋषिकेश पहुँचे हैं पूरे, और बहुत रुकते रुकते आए हैं, बहुत आराम से आए हैं। और जो भाई मज़े आ रहे लौंडे, बढ़िया बढ़िया। और भाई अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, कोई बारिश नहीं कुछ नहीं हो रहा। ये देखो आप व्यू गाइस, ये है पूरा नरेंद्र नगर, आप देख लो। अब हम नरेंद्र नगर भी धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। यहाँ की शॉप्स तो सारी खुली हुई हैं खैर, क्योंकि अभी लॉकडाउन कुछ है नहीं। और पहले मैं भी आपको जगह दिखाता हूँ कुछ अच्छी जगह। ये जो रेस्टोरेंट है देखो, मैं पहले इधर पीता था बैठ के। आज थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेट तो खैर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप देखो ये पूरी नरेंद्र नगर मार्केट। ये भाई फाइनली गाइस हम पहुँच गए अभी आगरा खाल। ये हमारे भाई की शॉप है, भाई का नाम क्या है? विवेक रमोला। ये हमारे रमोला जी, विवेक जी। तो भाई भाई की दुकान पे रुकना, बहुत ही फ्रेश ये बनाते हैं हमेशा, भुन चकरी जो बहुत फेमस है आगरा खाल में। और यहाँ से अभी हम सीधा जाएंगे चंबा, चंबा के बाद देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। पहले देख लो कितनी रौनक होती थी आगरा खाल में, अब बहुत कम होने लग गया सिस्टम। वही 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 लॉकडाउन ने सारा, भाई साहब के लिटिल लिटिल पैक लग रहे हैं, देखो शर्म ही नहीं आती इन्हें बिल्कुल। भाई ये जगह है सेलू पानी, और सेलू पानी की आपको एक खासियत बताऊं, आप इनको देखो, इन पहाड़ों को देखो, आप ये चीज़ देख के हैरान हो जाओगे, एकदम हैरान हो जाओगे। ये पानी कहाँ से निकल रहा है देखो, आपको मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखो ऊपर से बिल्कुल बंद, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ से आप देखो यार क्या चीज़ है यार, और पानी ओए होए हो इतना ठंडा, बाप रे बाप। देखो यार
भाई मुझे नहीं पता मैं तुम्हें दिख रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी रात के बज गए हैं 9:15 रात के बज रहे हैं और हम रुके अभी टिहरी लेक में। सामने आपको ये देखो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, कल आपको सुबह का व्यू दिखाऊंगा पूरा नई टिहरी का। अभी तो हम खाना खा रहे हैं और खाना खाने का टाइम हो गया क्योंकि बहुत थक गया, बाइक चलाते चलाते हालत ख़राब हो गई, ठंड भी इतनी लग रही थी कि हमें जैकेट पहननी पड़ गई। और ये रहा मेरा कैंप और मैं इधर सोऊंगा, ये देख लो पूरा आप कैंप देख लो, ये कैंप है। और कैंप के सोने के बाद आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ कि क्या सीन है, क्या नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं है। ओके बाय बाय, गुड नाइट गाइस। ये देख लो कि हम अभी दोनों कैंप में हैं, कैंप में मतलब ऐसे लाइक शुभम को देख लो आप, ये लेटा हुआ इधर। भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है ना? बिल्कुल। और ये देखो, और इसकी हालत देखो, और भाई मेरी हालत भी देख लो। हमारे पास पिलो नहीं है, बट पिलो के नीचे हमने अपनी जैकेट वैकेट ये लगा रखी है, सब लगा रखी है और हम ऐसे सो रहे हैं। और ये ना अभी पता है क्या है, अभी शुभम को पता है क्या बोला किसी बंदे ने, फौजी ने, बल्कि यहाँ के जो फौजी लोकल फौजी ने क्या बोला शुभम तेरे को कि भाई यहाँ वो है, क्या नाम है उसका, क्या नाम बोला था भाई जी? कोबरा। कोबरा यहाँ पे तीन दिन से कोबरा दिख रहा है यहाँ पे, तीन दिन से की कोबरा दिख रहा है। प्लीज आप ध्यान से सोना यहाँ पे, अपनी सेफ्टी रखना। बट हमने अपना कैंप लॉक करा था और कैंप लॉक करती हमें इतनी गर्मी लगी कि हमें अपना कैंप खोलना पड़ गया। भाई हमें नहीं पता भाड़ पे जाए कोबरा है चाहे एनाकोंडा है। गुड मॉर्निंग गाइस। भाई सुबह के बज रहे अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के, और रात भर हम कैंप में सोए हैं जैसे कि आपको पता। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, ये देखो ये कैंप का गेट है और बाहर का व्यू देखो। दिखा ये गाइस पूरी चमियाला मार्केट है, हम चमियाला पहुंच गए हैं सुबह। आप इधर का व्यू देख लो, सारी शॉप दिखा भाई ने अच्छे से। चमियाला से हम सीधा कहाँ जा रहे हैं भाई? बिना खाल में हमारी मौसी का घर। जगन में विघन करने आ गया गाड़ी वाला, कोई बात नहीं। पानी देखो कितना खतरनाक है। तो शुभम भाई अभी रुके हैं हमारे चौमिन खाने, ये देखो भाई चौमिन बनवाई है और चाय, क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं करा था, नाश्ता सीधा चौमिन के साथ। और यहाँ देखो ये है हमारा डॉग, इसके गले में आप देख रहे हो ये कांटों वाला वो लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसको कोई शेर वेर अटैक करता है ना वो सीधा गले में करता है, तो अगर शेर इसे पकड़ेगा तो फिर इसे मार नहीं पाएगा, शेर से बच जाएगा बाघ से। तो ये इसी वजह से गढ़ पहाड़ों में ज़्यादातर कुत्तों के गलों में ये रहता है कि जिससे बाघ इनको खाए ना, मार ना पाए। भाई वैसे तो ये जगह ये भी अच्छी है, छोटी सी यहाँ एक दुकान है, इधर चौमिन खाते हैं उसके बाद सीधा चलते हैं पूरा बिना खाल की मार्केट। हम मार्केट में एंटर हो चुके हैं पूरा, आप देखेंगे जैसे ये है तुम्हारा इनका टैक्सी स्टैंड, और ये है पता नहीं कौन सी दुकान है मुझे नहीं पता। पवा डेरी दिखा दो जरा, पवा डेरी का इनका, ये हमारे विपिन भाई पवा डेरी। ज्वालामुखी का मंदिर दिखाओ, ये
ये है गाइस कुंडियाली, देख लो आप। वो जो ऊपर टावर लग रहा है उधर, वो ज्वालामुखी का उधर मंदिर है। आज के अपनी मौसी के घर, ये है मौसी का घर इधर, और इधर से अभी मैं जा रहा हूँ ड्रोन उड़ाने, एक बार जरा पूरा व्यू लेने। व्यू के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का पूरा सीन। और आज हम जा रहे हैं एक जगह तिनगढ़, एक जगह वहाँ पार्टी करने और फिशिंग करने, तो फिर वहाँ का ब्लॉग वहीं बना के देखते हैं। ठीक है भाई शुभम, चले ना सर, चलो ओके, बाय बाय बाय।